अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, ऑनलाइन बिजनेस करते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू क्लाइंट्स पाना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो के अंदर तकरीबन चार ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि अक्सर लोग करते हुए देखा है मैंने लोगों को। और आप अगर इन चीजों को कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, आपका इंस्टाग्राम में बहुत टाइम खराब होगा और क्लाइंट्स ना के बराबर आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गलती नंबर वन इज द काइंड ऑफ पोस्ट दैट यू आर पोस्टिंग, नंबर टू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्टिंग दैट यू आर डूइंग, नंबर थ्री द एड्स दैट यू आर डूइंग एंड मेड यू आर नॉट डूइंग, एंड नंबर फोर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट कि कितने की आप एड रन कर रहे हो। सबसे पहली चीज, अगर आप कोई पोस्ट कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आप किस काइंड ऑफ ऑडियंस को कैटर कर रहे हो। अगर आप एक नॉर्मल मीडियम क्लास स्टूडेंट को या एक मिडिल क्लास ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, आपका पेज या फिर आपका जो प्रोडक्ट है उनके लिए है, तो आपका पोस्ट वैसा चल जाएगा। बट इफ यू आर टारगेटिंग सम प्रीमियम काइंड ऑफ पीपल, तो उनके लिए आपको जो क्रिएटिव डालने हैं या फिर आपको उनके लिए जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने होंगे वो थोड़े से प्रीमियम डालने होंगे। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, पीपल पे फॉर द क्लास, फॉर द एक्सपीरियंस, यू हैव टू मेक देम फील दी वाइब ऑफ समथिंग रिच। ठीक है, रिचनेस थोड़ी सी फील करानी होगी थ्रू योर क्रिएटिव्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपकी महंगी वाली ऑडियंस है तो आपको थोड़ा सा खर्चा वहां पे करने की जरूरत है, अगर नहीं तो बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अनटिल अनलेस यू आर अ ब्रांड, अगर आप ब्रांड बन गए हो तो यू हैव टू पे लाइक उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। दूसरी चीज, लोग क्या करते हैं, या तो कभी बहुत ज्यादा पोस्ट करेंगे या बहुत कम पोस्ट करेंगे, इररेगुलरली पोस्ट करेंगे। अंडरस्टैंड वन थिंग, आप चाहे तो दिन में दो करो, दिन में एक करो, दो दिन में एक करो, चाहे हफ्ते में दो करो, जितना भी पोस्ट कर रहे हो, बट स्टे रेगुलर विद इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी तो आपने बहुत सारे पोस्ट कर दिया और कभी आपने पोस्ट ही नहीं किया। पोस्ट रेगुलर बेसिस पे करो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर थ्री के बारे में। पॉइंट नंबर थ्री है एडवर्टाइजमेंट्स। अब यार लोगों को एक गलत फहमी है, ठीक है, लोगों को लगता है कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग का मतलब अच्छे अच्छे फोटोज डालना या अच्छे अच्छे पोस्ट डालना, दिवाली का क्रिएटिव, होली का क्रिएटिव वो डालना और उनकी इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो रही है। एंड दिस इज बुलशिट इन माई ओपिनियन, ठीक है, एंड इट इज नॉट गोइंग टू गेट यू बिग रिजल्ट्स। वाई? बिकॉज होली और दिवाली का क्रिएटिव देख के कोई आपका बिजनेस नहीं लाने वाला। आपको बिजनेस किससे आएगा? देखो ये इंपॉर्टेंट है, बट ये बात की चीज है, आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अबाउट क्रिएटिंग कॉन्टेंट फॉर योर ऑडियंस, देन मेकिंग इट रीच टू द राइट ऑडियंस, दैट इज वॉट गेट्स यू अ कम्युनिटी। मतलब एक क्रिएटिव डालना एंड उसको एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने उस ऑडियंस तक पहुंचाना जिसको आप सेल करना चाहते हो, देन दे आर गोइंग टू बाय फ्रॉम यू, देन दे आर गोइंग टू मेक बिकम योर ऑडियंस, बिकम योर कस्टमर, गिव यू मनी, दैट्स इट। सो इफ यू आर नॉट डूइंग एडवर्टीजमेंट, इफ यू आर पोस्टिंग रेगुलर बेसिस तो और उस पर सारा पैसा खर्च कर दे रहे हो, तो ट्रस्ट मी यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक। विच मेक्स मी कम टू द फोर्थ सिंगल पॉइंट, व्हाट शुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर बजट। अगर आप फॉर एग्जाम्पल के लिए आप 20,000 रुपए खर्च कर रहे हो, ठीक है, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, देन व्हाट शुड बी योर आइडियल बजटिंग। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 7,000 से 8,000 मिनिमम आपको एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना चाहिए। बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग, आपको एक सिंपल एग्जाम्पल समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान के पास साइकिल है, आप साइकिल चला रहे हो, मैं आपसे पूछूं कि आप साइकिल कौन से पहिए पे चला रहे हो, पहले वाला कि दूसरे वाला, आगे या पीछे, आप बोलोगे कैसा स्टूपिड क्वेश्चन है यार, साइकिल दोनों पहियों पे चलती है इक्वली। सो ये सेम आपको चीज समझनी पड़ेगी, इंस्टाग्राम मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटर्स। एक क्रिएटिव उसका एक सिंगल पहिया है, एडवर्टीजमेंट उसका दूसरा पहिया है। आज उनपे ऑर्गेनिक रीच बहुत कम है इंस्टाग्राम पे, आज आपकी ऑडियंस तक वो पहुंच जाता ही नहीं है जो आप टारगेट करते हो, जो दिखाना चाहते हो। यू हैव टू यूज एडवर्टीजमेंट, यू हैव टू पे इंस्टाग्राम सो दैट आप दोनों पहिए सही से चला पाओ और आपकी साइकिल सही से चल पाए। एंड यू वोंट बिलीव, कल मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, ही जस्ट अबाउट बिकम अ क्लाइंट, बट उस इंसान ने मेरे को बताया ही यूज टू स्पेंड 20,000 रुपीज इन फ्लायर्स एंड आउट ऑफ विच ही यूज टू एक्सपेक्ट ओनली 20 लीड्स, दैट वॉज इवन नॉट कन्फर्म्ड। 20,000 रुपए में ही वॉज एक्सपेक्टिंग 20 लीड्स एंड आई वॉज लाइक यार 20,000 रुपए तुम इंस्टाग्राम में डाल दोगे ना, तुम्हारे को पता नहीं कितनी लीड जाएगी, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मेरे अकॉर्डिंग 10 से 20 रुपए पर लीड भी बहुत ज्यादा होता है, और अगर इतना भी देखें तो 1,000, मतलब एक्सपेक्टेशंस लोग ऑफलाइन मार्केटिंग से बहुत लगा के बैठते हैं, बट ऑनलाइन मार्केटिंग में समझते नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, लोगों को समझ समय लगेगा लेकिन आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका 20,000 का बजट है तो आराम से 7,000-8,000-9,000 आप एडवर्टीजमेंट डालो और बाकी का जो आप पैसा है वो आप
क्रिएटिव्स में और ब्रांडिंग में, उन सब चीजों में डालो, उसका एक हेल्दी कॉम्बिनेशन बनाओ, मिक्स एंड मैच करो, एंड बूम एक गुड कॉम्बिनेशन बन गया। और एडवर्टीजमेंट कैसी रन करनी है, ब्रांडिंग की एड्स रन करो इंस्टाग्राम स्टोरी पे, इंस्टाग्राम फीड्स पे, फेसबुक फीड्स पे, और मेनली यही एड्स रन करो स्टार्टिंग में जब आपका बजट कम है, और उन जगहों को डीपली ब्रीफली टारगेट करो अपने आसपास के 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के रेंज के अंदर जो कि आपके ऑडियंस बन सकती है। रदर इनके ऊपर हम लोग एक स्पेशल स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे आने वाले फ्यूचर में। सो इफ इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग सच वीडियोस, देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन डाउन देयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी।